इमरान जैसे ही दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक जीरो उसके एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। इमरान साहब, आप क्या बात है, आपके चेहरे पर उलझन के तसव्वुरात दिखाई दे रहे हैं। खैरियत, ब्लैक जीरो ने सलाम और दुआ के बाद इमरान को देखकर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ क्यों, मेरी आमद तुम्हें बुरी लगी है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप काफी दिनों बाद आए हैं, इसलिए हैरत भी हो रही है और खुशी भी, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराकर कहा। हैरत किस बात की और खुशी किस खुशी में? इमरान ने अपने मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, खुशी इस बात की कि आप आए हैं और जाहिर है हैरत आपके चेहरे पर उलझन और परेशानी के तसव्वुरात देखकर हो रही है, ब्लैक जीरो ने कहा। सर, दावर की एक गलती की वजह से एक एम फार्मूला चोरी हो गया है, इमरान ने संजीदगी से कहा तो ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। चोरी? सर, दावर की गलती की वजह से? क्या मतलब, मैं समझा नहीं, ब्लैक जीरो ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा, तो इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी। इंतहाई हैरत अंगेज अंदाज में वारदात की गई है। सर, दावर के स्पेशल ऑफिस के दरवाजे और खुफिया सेफ के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की गई है और उसके बावजूद उनके ऑफिस को और खुफिया सेफ को खोलकर फाइल निकाल ली गई है, ये कैसे हो सकता है, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे है, लेकिन एक बात जरूर है, इमरान ने सोचते हुए कहा। कौन सी बात, ब्लैक जीरो ने कहा। यही कि इस वारदात में यकीनन अंदर का ही कोई आदमी मुलविस हो सकता है, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। अंदर का आदमी? क्या मतलब, ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। सर, दावर के ऑफिस का स्टाफ, उसकी मदद के बगैर ये काम नहीं किया जा सकता है, किसी ने तो इस चोरी की मदद की है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। आपके ख्याल में कौन हो सकता है वो अंदर का आदमी? क्या आपने स्टाफ से पूछ कुछ की है, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, मैंने वहां सिर्फ सर्चिंग ही की है, अभी किसी से बात नहीं की, अलबत्ता टाइगर को मैंने भेज दिया है, वो एक बार खुद भी सर्चिंग करेगा और सर दावर के ऑफिस के स्टाफ से पूछ कुछ भी कर लेगा। मुझे वहां से और कोई क्ल्यू नहीं मिला है, लेकिन एक कार्ड जरूर मिला है जो मुझे खटक रहा है, इमरान ने कहा। कौन सा कार्ड और उस कार्ड में ऐसा क्या है जो आपको खटक रहा है, ब्लैक जीरो ने कहा, तो इमरान ने एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया जो उसे सरदावर की पर्सनल असिस्टेंट सोफिया के ऑफिस टेबल की तरफ से मिला था। ब्लैक जीरो ने कार्ड देखा, ये एक आम सा विजिटिंग कार्ड था जिस पर सिर्फ जममार्क का नाम लिखा हुआ था। कार्ड पर ना तो कोई पता लिखा था और ना कोई फोन नंबर, अलबत्ता उस कार्ड के किनारे पर सुर्ख रंग से एक दायरा बना हुआ था और इस दायरे में सबज रंग के सांप का एक फन बना हुआ था जिसकी आंखें सुर्ख और बड़ी बड़ी थीं। सांप का मुंह खुला हुआ था और उसकी जबान और मुंह के अंदर का हिस्सा गहरा सुर्ख दिखाई दे रहा था। इस सांप के निशान को देखकर कुछ जहन में आया है, इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। नहीं, मैंने तो पहले ऐसा कोई निशान नहीं देखा, ब्लैक जीरो ने कहा। अच्छा, कार्ड मुझे दो और काफी बना लाओ, मैं जहन दौड़ाता हूं, शायद कुछ याद आ जाए, इमरान ने कहा, तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिलाया और कार्ड इमरान को देखकर किचन की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर में वो काफी के कप उठाए वापस आ गया। उसने एक कप इमरान के सामने मेज पर रखा और दूसरा कप लेकर वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। याद आया इस निशान के बारे में कुछ, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, तुम मुझे वो सुर्ख जिल्द वाली डायरी देना, इमरान ने ब्लैक जीरो से कहा,
तो ब्लैक जीरो ने डायरी मेज की दराज से निकाली और इमरान को दे दी। इमरान ने डायरी खोलकर उसकी वर्क गर्दानी करने लगा, साथ साथ वो काफी भी पी रहा था। फिर वो एक वर्क को गौर से देखने के बाद उसने डायरी बंद करके उसे मेज पर रख दिया और रिसीवर उठाकर उसके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हाक क्लब रब्ता कैम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, टारजसन यहां होगा, मैं पाकेशिया से प्रिंस साफ डंप बोल रहा हूं, उससे बात कराओ, इमरान ने कहा। ओके होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो टारजसन बोल रहा हूं, चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डंप फ्रॉम पाकेशिया, इमरान ने कहा। ओह यस प्रिंस, आपने कैसे कॉल किया, मेरे लायक कोई खिदमत, दूसरी तरफ से चौंककर पूछा गया। तुमने अजीब सा नाम रखा हुआ है टारजसन, उससे बेहतर होता कि आपने नाम से एस उड़ा देते तो एक खूबसूरत नाम बन जाता और जंगलों की सारी ब्लैक ब्यूटियां तुम्हारी दीवानी हो जाती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। एस उड़ाने से खूबसूरत नाम बन जाता, मैं कुछ समझा नहीं, और ये जंगल की ब्लैक ब्यूटियां मेरी दीवानी हो जाती, उससे आपकी क्या मुराद है, दूसरी तरफ से टारजसन ने हंसते हुए कहा। दुनिया भर की लड़कियां जंगल मैन जिसका नाम टारजन था की दीवानी थी, खास तौर पर जंगलों की ब्लैक ब्यूटियां, तुम भी अपने नाम से ऐसा हटा दो तो तुम्हारा नाम भी टारजन ही बनता है, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो टार्ज के बाद एन लगा दो और अगले नाम का हिस्सा सन अलग कर दो, इस तरह तुम टारजन तो नहीं टारजन सन तो कहला सकते हो, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ टारजसन चंद लम्हे खामोश रहा और फिर जैसे ही उसे इमरान की बात समझ आई वो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं दुबला पतला और कमजोर सा आदमी हूं प्रिंस, और मेरी उम्र भी ढल गई है, ऐसे में मुझे कौन टारजसन या उसका बेटा समझ सकता है, दूसरी तरफ से टारजसन ने हंसते हुए कहा। तो फिर अपने बेटे के बेटे का नाम टारजन रख दो, और कुछ नहीं तो टारजन के दादा तो बन ही जाओगे, इमरान ने कहा। तो टारजन एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। ब्लैक जीरो भी मुस्करा रहा था। बहरहाल फरमाइए कैसे फोन किया है, आप बगैर किसी मकसद के फोन नहीं करते, टारजन ने हंसते हुए कहा। यहां पाकेशिया के एक गैर सरकारी ऑफिस से एक फाइल की कॉपी चोरी हुई है, जाय वारदात से कोई सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन एक कार्ड मिला है जिस पर जमार्क का नाम लिखा हुआ है, कार्ड पर कोई पता दर्ज नहीं है और ना कोई फोन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन कार्ड के एक कोने पर एक निशान जरूर बना हुआ है, एक सुर्ख रंग का दायरा है जिसमें सब्ज रंग के सांप का एक फन बना हुआ है, सांप की बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं जो सुर्ख रंग की हैं, और उस सांप का मुंह खुला हुआ है और उसकी जबान और मुंह के अंदर का हिस्सा गहरा सुर्ख दिखाई दे रहा है, इमरान ने कहा। वारदात किस अंदाज में हुई है, कोई तफसील बता दें, टारजसन ने कहा। तो इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी। आप मुझे कार्ड का प्रिंट मेल कर दें और फिर एक घंटे बाद दोबारा फोन करें, मुझे यकीन है कि मैं आपको अहम बातें बता सकूंगा, टारजसन ने कहा। मैंने कार्ड का प्रिंट पहले ही तुम्हें मेल कर दिया है, इमरान ने कहा। ठीक है, आप एक घंटे बाद फोन करें, टारजसन ने कहा, और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। सर दावर के ऑफिस से मुझे कुछ ऐसे निशान जरूर मिले हैं जैसे वहां खुफिया कैमरे लगाए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें उतार दिया गया था। मैंने हर जगह तलाश किया लेकिन ना मुझे कोई हुक मिला है और ना ही कोई कैमरा, जिसने भी वारदात की है बड़ी चालाकी और होशियारी से की है, और आपने पीछे ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ा है कि उस तक पहुंचा जा सके, इमरान ने कहा।
और ये कार्ड आपको कहां से मिला है? ब्लैक जीरो ने कहा। सरदावर की पर्सनल असिस्टेंट सफिया की मेज की तराश से, इमरान ने कहा। हो सकता है कि यह सरदावर के किसी जानने वाले का हो जिसे उन्होंने सफिया को संभालने के लिए दिया हो, ब्लैक जीरो ने कहा। हो सकता है, लेकिन कार्ड अजीब सा है जिस पर सिर्फ नाम लिखा है, उस पर ना तो कोई पता है और ना कोई फोन नंबर, और फिर ये निशान, मुझे इस निशान ने उलझन में डाल रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस सांप के निशान को मैं जानता हूं, लेकिन कोशिश के बावजूद मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये निशान मैंने कहां और कब देखा था, इमरान ने कहा। आपके ख्याल के मुताबिक ऐसा कौन कर सकता है? ब्लैक जीरो ने पूछा। ये काम सफिया का हो सकता है, वही आजादी से जब चाहे और जितनी देर के लिए चाहे सरदावर की गैर मौजूदगी में उनके ऑफिस में आ सकती है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। ओह, लेकिन आप तो कह रहे थे कि सरदावर के ऑफिस और खुफिया सेफ का कोड सिर्फ सरदावर ही जानते हैं, फिर सफिया ऑफिस और खुफिया सेफ के लॉक कैसे खोल सकती है, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये भी तो मुमकिन है कि सफिया को बकायदा इस काम के लिए इन कोड्स की मालूमात मुहैया की गई हो, इमरान ने कहा। ओह ओह, वाकई ये हो सकता है। आपको फौरन इस सफिया से जाकर मिलना चाहिए, उसे टटोलेंगे तो हो सकता है कि कोई सराग हाथ लग जाए, ब्लैक जीरो ने कहा। पहले इस कार्ड के निशान की उलझन तो मिटा लूं, इसके बाद मैं सफिया से भी जाकर मिलूंगा, इमरान ने कहा। जब आप सरदावर के ऑफिस में गए थे तो क्या वहां आपको सफिया नहीं मिली थी, ब्लैक जीरो ने पूछा। नहीं, वहां सिर्फ गार्ड्स मौजूद थे। सरदावर कभी कभार ही उस ऑफिस में आते हैं, जब आते हैं तो वो सफिया को कॉल करके बुला लेते हैं, वरना सफिया मामूल से नहीं आती, इमरान ने कहा। क्या आपने उसका पता लिया है सरदावर से, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, इमरान ने कहा। तो क्या मैं किसी को भेजूं उसके फ्लैट पर, इमरान ने कहा। नहीं, मैं खुद जाकर उसे चेक करूंगा, इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया, और फिर एक घंटे बाद उसने रिसीवर उठाया और दोबारा तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हाक क्लब, रब्ता होते ही वही नस्वानी आवाज सुनाई दी। पाकेशिया से प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूं, टार्जन से बात कराओ, इमरान ने रुक रुक कर कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो टार्जन, बोल रहा हूं, चंद लम्हों बाद टार्जन की आवाज सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूं, क्या रिपोर्ट है, इमरान ने पूछा। प्रिंस, आपने जिस कार्ड का प्रिंट भेजा है उसका पता चल गया है कि वो किसका है, दूसरी तरफ से टार्जन ने कहा। तो इमरान के साथ ब्लैक जीरो भी चौंक पड़ा। क्या, किसका है, बताओ, इमरान ने बेइख्तियार होंठ चबाते हुए कहा। वो निशान जाराग क्लब के मालिक डाशर का है, और डाशर के बारे में पूरा नाराग जानता है कि डाशर इंतहाई माहिर मुजरिम है और इंतहाई पेचीदा मिशन भारी कीमत पर बुक करता है। उसका असल काम इंतहाई कीमती राज और फाइलें चुराना है। उसका कोड नाम जिम मार्क है, और वो ऐसे ही निशान वाले कार्ड्स रखता है, और ये निशान उसकी पहचान है। ये कार्ड वो ऐसे अफराद को देता है जो उसे असल नाम से जानते हैं और उसके लिए काम करते हैं, और डाशर पिछले दिनों पाकिस्तान गया हुआ था, आज ही उसकी वापसी हुई है, टार्जन ने तफसील बताते हुए कहा। ओह,
तो क्या तुम मालूम कर सकते हो कि डाइशर की पाकेशिया में बुकिंग किसने की है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मगर टार्जन जवाब देते देते रुक गया। तुम मुआवजे की फिक्र मत करो, तुम्हें मालूम है कि प्रिंस मुंह मांगे से भी ज्यादा मुआवजा देता है, इमरान ने उसकी हिचकिचाहट को समझते हुए कहा। ओके प्रिंस, आप एक घंटे बाद कॉल करें, फिर मैं आपको तफसील बता सकूंगा, टार्जन ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तो ये काम डाशर ने किया है? इमरान ने कहा। तो क्या वो जानबूझकर वो कार्ड सफिया के पास छोड़ गया था? ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, हो सकता है कि कुछ निकालते हुए उसका कार्ड गिर गया हो, जिसे सफिया ने उठाकर अपने पर्स में रख लिया हो और फिर उसने वो कार्ड लाकर अपने ऑफिस की मेज की दराज में रख लिया हो, इमरान ने संजीदगी से कहा। लेकिन इमरान साहब, फार्मूले की फाइल का मुजरिम क्या करेंगे? आप बता रहे हैं कि सर दावर के कहने के मुताबिक फार्मूला कोड में था, वो उसे डी कोड कैसे करेंगे? ब्लैक जीरो ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। दुनिया में लाखों नहीं तो हजारों ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कोड बनाते भी हैं और डी कोड करना भी जानते हैं। अगर ऐसे किसी एक्सपर्ट की खिदमात हासिल की गई तो फिर क्या मुश्किल बाकी रह जाएगी? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओह, फिर तो वाकई मसले वाली बात है, ब्लैक जीरो ने कहा। अब ये टार्जन ही कुछ पता करे तो बात आगे बढ़ सकती है कि डाशर के जरिए फार्मूला किसने हासिल किया है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। एक घंटे बाद इमरान ने रिसीवर उठाकर एक बार फिर टार्जन के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। कुछ पता चला टार्जन? इमरान ने रब्ता कैम होते ही कहा। प्रिंस, डाशर ने यह काम अक्रेमिया की खुफिया सरकारी तंजीम डार्क हार्ट के लिए सर अंजाम दिया है। डार्क हार्ट ने उसे यहां नाराक में बुक किया, अलबत्ता उसे मिशन पाकेशिया जाकर बताया गया और उसने मिशन मुकम्मल कर दिया और इसने वो माइक्रोफिल्म लाकर डार्क हार्ट के चीफ के हवाले भी कर दी है, टार्जन ने जवाब देते हुए कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? डार्क हार्ट तो सरकारी तंजीम है, फिर उसने उस काम के लिए अपने एजेंटों की बजाय एक आम से मुजरिम डाशर को क्यों बुक किया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं प्रिंस, ये तो डार्क हार्ट जाने या वो मुजरिम डाशर, टार्जन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, ये बताओ कि क्या तुमने मालूम किया है कि डाशर को ये काम किसने दिया था? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मुझे मालूम था कि आप ये बात जरूर पूछेंगे, इसलिए मैंने मालूम कर लिया है, टार्जन ने जवाब दिया। तो बताओ कौन है वो? इमरान ने कहा। ये काम किंग फिशर का है, वो किंग क्लब का मालिक है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। और आपको ये भी बता दूं कि किंग फिशर का ताल्लुक डार्क हार्ट से ही है और वो डार्क हार्ट का अहम आदमी है, उसी ने डाशर को इस काम के लिए हायर किया था, टार्जन ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मुझे किंग फिशर का हुलिया बताओ, इमरान ने कहा। तो टार्जन ने तफसील से डाशर का हुलिया और कद्दोकामत की तफसील बता दी। और डाशर का हुलिया क्या है? इमरान ने पूछा। तो टार्जन ने उसे डाशर का भी हुलिया तफसील से बता दिया। गुड शो, अब तुम अपना अकाउंट नंबर और बैंक का नाम बता दो और साथ ही मुआवजा भी, तुमने वाकई काम किया है, इमरान ने कहा। शुक्रिया प्रिंस, टार्जन ने कहा और उसके साथ ही उसने अपने बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और मुआवजा बता दिया।
ओके पहुंच जाएगा, गुड बाय इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तफसील नोट कर ली है तुमने, उसे आज ही मुआवजा पहुंचा देना, ये बहुत काम का आदमी है, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे इमरान के सेलफोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने चौंक कर जेब से सेलफोन निकाल लिया और उसकी स्क्रीन पर डिस्प्ले देखने लगा। स्क्रीन पर टाइगर का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। इमरान ने सेलफोन कान से लगाकर सुनने की बजाय कॉल रिसीव की और साथ ही लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। इमरान बोल रहा हूं, इमरान ने कहा। टाइगर बोल रहा हूं बॉस, दूसरी तरफ से टाइगर की मखसूस आवाज सुनाई दी। कितनी बार कहा है टाइगर बोला नहीं करते, दहाड़ा करते हैं, तुमने दहाड़ना छोड़कर बोलना शुरू कर दिया है तो क्या खाक किसी पर तुम्हारे नाम कर रो पड़ेगा, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो मुस्कुरा दिया। हंटर वाले उस्ताद के सामने दहाड़ना तो किया, बोलना भी मुश्किल होता है, दूसरी तरफ से टाइगर ने जवाब दिया तो इमरान उसके खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। अच्छा, जिस काम के लिए भेजा था उसका क्या हुआ है, इमरान ने कहा। मैंने भरपूर अंदाज में सर्चिंग की है बॉस और स्टाफ को भी टटोला है, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं है, अलबत्ता सरदावर की पर्सनल सेक्रेटरी सफिया को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे बाकायदा ड्रग दिया गया हो और ड्रग देकर उसे किसी ने अपनी ट्रांस में लिया हो, मुझे वही इस मामले में मशकूक मालूम हो रही है, टाइगर ने कहा। ओह, फिर तुमने उसे पूछा, इमरान ने चौंककर कहा। यस बॉस, पिछले दिनों एक गैर मुल्की नौजवान उससे मिलता रहा था, उसका नाम डाशर था, टाइगर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तफसील बताओ, इमरान ने कहा। सफिया के कहने के मुताबिक वो एक स्याह था, वो लंच करने एक रेस्टोरेंट में गई थी, वो जिस मेज पर मौजूद थी वहां एक कुर्सी खाली थी जबकि हाल में शायद और कोई मेज खाली ना थी, इसलिए डाशर वहां आ गया और फिर उसने अपना तारुफ कराया और बैठने की इजाजत मांगी, उसने उसे बैठने की इजाजत दे दी। वो हुसैन नौजवान था जो सफिया को अच्छा लगा था, वहीं दोनों में दोस्ती हुई और फिर वो एक दूसरे से मिलने लगे। मेरे पूछने पर सफिया ने बताया कि बातों बातों उसने डाशर बताया कि मैं कहां मुलाजमत करती हूं, फिर उसने उसे अपने कमरे में चलने की दावत दी तो वो वहां चली गई, वहां भी बातें होती रही। डाशर ने बताया कि वो खुद एकेडमियन सफारतखाने में फर्स्ट सेक्रेटरी का असिस्टेंट है, वो अपने बॉस के बारे में बातें करता रहा और सफिया सरदावर साहब के बारे में, फिर वो वापस आ गई। एक बार वो उसे सरदावर के ऑफिस में भी ले गई थी, कल वो उसके फ्लैट में पहुंचा था, सफिया ने बताया कि डाशर ने किचन में जाकर अपने हाथों से उसे कॉफी बनाकर पिलाई थी, उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है, वो शायद सारी रात और सारा दिन सोती रही थी, जब जागी तो उसका सर बोझल था। मेरी मालूमात के मुताबिक डाशर नामी शख्स ने सफिया को टमरास नामी ड्रग की डोज दी थी और फिर उसे ट्रांस में ले लिया था और फिर सफिया उसकी ट्रांस में ही सरदावर के ऑफिस में पहुंची थी और फिर उसने ये सारा काम अंजाम दिया, लेकिन इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है, टाइगर ने जवाब दिया। तो सफिया की मासूमियत से फायदा उठाया गया है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, मैंने उस डाशर का पता चला लिया है, तुम अपने फ्लैट में जाओ, जरूरत हुई तो मैं तुम्हें फिर कॉल कर लूंगा, इमरान ने कहा और फिर उसने फोन ऑफ कर दिया। वाकई ये डाशर जरूरत से ज्यादा चालाक है, उसने सफिया की मासूमियत का ही फायदा उठाया है, उसने सफिया को अपनी ट्रांस में लिया और फिर उसके जरिए फाइल हासिल करके यहां से निकल गया, ब्लैक जीरो ने कहा।
हाँ, इमरान ने कहा। लेकिन वो फार्मूला था क्या? ब्लैक जीरो ने कहा। सर, दावर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि पाकेशिया साइंसदान डॉक्टर निहाल हाशिम और शुगरानी साइंसदान ची हाई ने मिलकर एक ऐसे मिसाइल का फार्मूला तरतीब दिया है जिससे किसी भी मुल्क के ताकतवर से ताकतवर मिसाइलों को रास्ते में ही रोका और ब्लास्ट किया जा सकता है। ये एंटी मिसाइल सिस्टम है, दोनों ममालिक के साइंसदानों ने उसे मिलकर बनाया है और डॉक्टर निहाल हाशिम चूंकि शुगरान की एम दिफाई लेबोरेटरी में काम करते हैं और किसी जमाने में वो सरदावर के शागिर्द रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस एंटी मिसाइल सिस्टम की फाइल बनाकर सरदावर को भेजी ताकि एक बार वो इस फार्मूले की चेकिंग कर लें और इसमें अगर कोई कमी बेशी हो तो उसे पूरी कर दें। उन्होंने एक खसूसी कोड में फाइल बनाई थी और कोड के बारे में सरदावर को दूसरे जरिए से पहले ही बता दिया था। सरदावर ने चूंकि इस फाइल का मुतालिया करना था इसलिए वो इस फार्मूले की फाइल अपने साथ लेबोरेटरी ना ले जाना चाहते थे और उसका मुतालिया अपने सीक्रेट ऑफिस में ही करना चाहते थे। उसीलिए डॉक्टर निहाल हाशिम ने एक शुगरानी साइंसदान के हाथ फार्मूले की फाइल सरदावर को भेज दी जो इत्तेफाक से किसी जाती काम के लिए पाकेशिया जा रहा था और सरदावर ने उसे अपने सीक्रेट ऑफिस में बुला लिया और फाइल को अपने ऑफिस के खुफिया सेफ में रखकर शुगरानी साइंसदान को उनके होटल तक छोड़ने के बाद लेबोरेटरी में वापस चले गए। हो सकता है कि इस फार्मूले की बंक अक्रेमिया को मिल गई हो और उन्हें ये भी पता चल गया हो कि फाइल किस तरह से सरदावर तक पहुंचाई जानी है। ये काम जाहिर है फोनिक और ट्रांसमीटर रबते की चेकिंग से ही हो सकता है, शायद उनकी कॉल चेक और फिर ट्रेस की गई हो, उसके बाद का सारा काम उनके लिए आसान हो गया होगा। डार्क हार्ट ने खुद सामने आने की बजाय एक्रेमिया के एक क्रिमिनल का सहारा लिया और उसे पाकेशिया भेज दिया जिसने यहां आकर सरदावर के बारे में मालूमात हासिल की, सफिया का पता चलाया और फिर उसे अपने जाल में फंसा लिया। उसके बाद उसने सफिया को ट्रांस में लिया और फिर उसके जरिए फाइल हासिल की और यहां से निकल गया, इमरान ने तजिया करते हुए कहा। लेकिन अगर ऐसी कोई बात थी तो फिर उन्हें इस खुफिया अंदाज में फाइल हासिल करने की क्या जरूरत थी? लाजमी बात है कि उन्हें इस बात का इल्म था कि फाइल सरदावर तक कब पहुंच रही है और कौन पहुंचा रहा है। वो रास्ते में ही असल फाइल गायब कर देते और इस तरह सरदावर तक फाइल पहुंच ही ना सकती और उनका मकसद पूरा हो जाता, ब्लैक जीरो ने कहा। अब मैं क्या कह सकता हूं, हो सकता है कि उनके जहन में ये बात मौजूद हो कि हमें उस बारे में इत्तला मिल चुकी है कि डार्क हार्ट इस फाइल के पीछे है, इसलिए वो खुद सामने ना आना चाहते हो, इमरान ने कहा। ये फाइल असल थी, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, ये असल फाइल थी, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। अब एक ही सूरत है कि वो इस फाइल को डिकोड ना कर सके, उसी तरह फार्मूला महफूज रह सकता है, ब्लैक जीरो ने संजीदगी से कहा। हाँ, ऐसा ही है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। उससे पहले कि वो फार्मूले को डिकोड कर लें, हमें उनसे ये फार्मूला वापस हासिल करना होगा। अगर उन्होंने फाइल डिकोड कर ली तो फिर वो यकीनन इस फार्मूले का तोड़ कर लेंगे और फिर हमारे और शुगरान के बनाए हुए एंटी मिसाइल किसी काम के नहीं रहेंगे, ब्लैक जीरो ने कहा। मैं भी यही सोच रहा हूं, फार्मूला अब तक डार्क हार्ट तक पहुंच गया होगा और हमें उस एजेंसी के खिलाफ काम करना है जो एक्रेमिया की इंतहाई ताकतवर और फाल एजेंसी है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। हाक क्लब,
रब्ता होते ही हक क्लब के टारजसन की पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। पाकेशिया से प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूं, टारजसन से बात कराओ, इमरान ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, टारजसन बोल रहा हूं, चंद लम्हों बाद टारजसन की आवाज सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूं, इमरान ने कहा। यस प्रिंस, टारजसन ने कहा। ये बताओ कि क्या उस डैशर ने माइक्रोफिल्म डार्क हार्ट के हवाले कर दी है और अब वो डैशर है कहां, इमरान ने कहा। अच्छा किया है प्रिंस कि आपने मुझे दोबारा कॉल कर लिया है। मेरे पास आपके लिए एक और अहम इत्तला है, इमरान की बात का जवाब देने की बजाय टारजसन ने कहा। तो इमरान के साथ ब्लैक जीरो भी चौंक पड़ा। इमरान ने फोन का लाउडर ऑन कर लिया था, इसलिए ब्लैक जीरो भी टारजसन की आवाज सुन रहा था। क्या इत्तला है बताओ, इमरान ने कहा। ये दुरुस्त है कि पाकेशिया से माइक्रोफिल्म बनाकर डैशर ही एक्रेमिया लाया था और वो किंग फिशर से मिला भी था, लेकिन उसने फिल्म किंग फिशर के हवाले ना की थी। फिल्म के हवाले से उसे शक था कि फिल्म में जरूर एम फार्मूला है, इसलिए वो किंग फिशर से इस सिलसिले में बार्गेनिंग करना चाहता था। किंग फिशर ने उसे इस काम के लिए जो मुआवजा दिया था वो उससे 10 गुना ज्यादा मांग रहा था। उसने फिल्म कहीं ले जाकर छुपा दी थी। किंग फिशर को उसकी ब्लैकमेलिंग पर बेहद गुस्सा आया। उसने हर मुमकिन तरीके से डैशर से फिल्म हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन डैशर उसे कुछ नहीं बता रहा था। उसका यही इसरार था कि उसके अकाउंट में 10 गुना मुआवजा ट्रांसफर किया जाए, तब वो फिल्म उसे देगा वरना नहीं। क्योंकि फिल्म उसके पास थी इसलिए किंगफिशर ने उसे कुछ नहीं कहा था और उसे जाने दिया था, लेकिन उसने अपने आदमी डैशर की निगरानी पर लगा दिए थे ताकि वो उसे बाहर काबू करके उससे फिल्म हासिल कर सके। लेकिन शायद डैशर को इस बात का पहले ही अंदाजा हो गया था कि किंगफिशर उससे जबरदस्ती फिल्म हासिल कर सकता है, इसलिए वो उसके आदमियों को डाज देकर निकल गया। वो कहां गया है और किस हुलिये में गया है उसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं है। अब किंगफिशर के आदमी उसे हर तरफ तलाश करते फिर रहे हैं, लेकिन ताहाल उन्हें डैशर का कोई सुराग नहीं मिला है। दूसरी तरफ से टारजसन ने तफसील बताते हुए कहा तो इमरान के चेहरे पर सुकून के तसरात उभर आए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि डैशर लालच में आ गया है और वो फिल्म के बदले डार्क हार्ट से दौलत हासिल करना चाहता है, इसलिए वो फार्मूले की फिल्म लेकर गायब हो गया है, इमरान ने कहा। जी हाँ, यही बात है। डार्क हार्ट के लोग पूरी शिद्दत से उसकी तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन डैशर यूं गायब हो गया है जैसे गधे के सर से सींग, टारजसन ने कहा। क्या तुम पता चला सकते हो कि डैशर कहाँ है, इमरान ने कहा। मैं कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन जब उसे डार्क हार्ट जैसी एजेंसी तलाश करने में नाकाम रही है तो भला मुझे उसका कैसे पता चल सकता है कि वो कहाँ है। हो सकता है कि वो एक्रेमिया से ही निकल गया हो। वो सैटेलाइट फोन से किंगफिशर से बात करता था और उससे मुआवजा अपने स्विस अकाउंट में जमा कराने का कहता है, लेकिन इस बार उसने बहुत ज्यादा मुआवजा मांगा था जो डार्क हार्ट एजेंसी उसे नहीं देना चाहती है, टारजसन ने कहा। कितना मुआवजा मांग रहा है वो, इमरान ने पूछा। 50 करोड़ डॉलर, टारजसन ने जवाब दिया। ओह, ये तो वाकई बड़ी रकम है, इमरान ने कहा। जी हाँ, डार्क हार्ट उसे ये रकम दे सकती है, लेकिन उसे खदशा है कि मुआवजा हासिल करने के बावजूद वो उन्हें फिल्म मुहैया नहीं करेगा और इस सिलसिले में उन्हें मजीद ब्लैकमेल कर सकता है, इसलिए वो उससे पहले फिल्म हासिल करना चाहते हैं हर सूरत में, टारजसन ने कहा।
ये डाशर वाकई चालाक है। वो जानता है कि बगैर मुआवजा हासिल किए उसने फिल्म उनके हवाले कर दी तो डार्क हार्ट एजेंसी उसे किसी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ेगी, इमरान ने कहा। जी हाँ, उसी लिए वो फिल्म समेत कहीं जाकर छुप गया है। अब वो एक्रेमिया में है या एक्रेमिया से निकल गया है उसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है, और डार्क हार्ट एजेंसी भी ला इल्म है, टार्जसन ने जवाब दिया। डार्क हार्ट एजेंसी इंतहाई पावरफुल और फ़ाल एजेंसी है और वो एक आम से मुजरिम का सुराग नहीं लगा सकी है, हैरत है, इमरान ने कहा। वो बेहद चालाक और ज़हीन आदमी है इमरान साहब, अगर वो आम सा मुजरिम होता तो डार्क हार्ट उसकी खिदमत क्यों हासिल करती और उसे पाकेशिया मिशन पर क्यों भेजती, टार्जसन ने कहा। हाँ ये भी ठीक है, बहरहाल ये अच्छा हुआ है कि डाशर ने फाइल अभी डार्क हार्ट के हवाले नहीं की है। तुम कोशिश करो कि उसे तलाश कर सको, तब तक मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं उसे खुद भी तलाश करने की कोशिश करता हूँ। वो फार्मूला पाकेशिया की अमानत है, उसे पाकेशिया में ही होना चाहिए, उसे किसी भी सूरत में एक्रेमियन एजेंसियों के हाथ नहीं लगना चाहिए, इमरान ने कहा। ठीक है प्रिंस, मैं कोशिश करता रहूंगा, टार्जसन ने कहा। मैं तुमसे राब्ता करता रहूंगा और इस सिलसिले में तुम्हारे जितने भी अखराजात होंगे वो तुम्हें दे दिए जाएंगे, गुड बाय, इमरान ने कहा और फिर उसने रिसीवर रख दिया। ये तो वाकई अच्छा हो गया है कि फिल्म अभी तक डार्क हार्ट तक नहीं पहुंची है, लेकिन डाशर उसे लेकर जा कहां सकता है, ब्लैक जीरो ने कहा। वो जहां भी है ज्यादा अरसा तक डार्क हार्ट एजेंसी से बच नहीं सकेगा, डार्क हार्ट के अफराद उसे हर सूरत में ढूंढ निकालेंगे और फिल्म उनके पास पहुंच जाएगी, इमरान ने होंठ पींचते हुए कहा। तो फिर क्या करना है, ब्लैक जीरो ने कहा। मुझे उसे खुद जाकर तलाश करना होगा इससे पहले कि डार्क हार्ट के अफराद उस तक पहुंचें। मुझे जाकर डाशर को तलाश करना है और उससे फिल्म हासिल करनी है, हर सूरत में और हर हाल में, इमरान ने ठोस लहजे में कहा। तो क्या आप एक्रेमिया जाएंगे, ब्लैक जीरो ने कहा। जाहिर है डाशर एक्रेमिया का शहरी है और वो वहां जाने के बाद गायब हुआ है, जब तक मैं उसके बारे में वहां जाकर तहकीकात नहीं करूंगा मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एक्रेमिया में कहां है या एक्रेमिया से निकलकर कहां चला गया है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।